रिग्वी देवी सूक्तम ऋग्वीदोक्तवी सूक्त वागाम वागागा ऋषे सच्चे सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीया ऋचो जगती शिष्टात्रष्टुपंद देवी महात्म पाठे विनग ताराकन ध्यानम ओं सिंहस्थ शशिशेखरामर्कत प्रख्याशुर्भिर्भुज शांक चक्रधन दधती नेत्रस्त्र आमुक्तांग दाहरण रनत कांचीरन रनुपुरा दुर्गा दुर्गते हरिणी भवतु नो रत्नोल सकुंडला तारंकन जो सिंह की पीठ पर विरजमान है जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है जो मस्तक मणि के समान कांते वाली अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं तीन नेत्रों से सुशोभित होती हैं जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार कंकण खनकनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैं तथा जिनके कानों में रत्न जोतित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों देवी सूक्तम ओम अहम रुद भी सुभिश्चराम्यम आदित्य रुद विश्व देवया अहम मित्रा वृणो भा विभ्रम्यह इंद्रानी अहम अश्विनो एक महर्षि अम्ब्रेन की कन्या का नाम वाक था वह बड़ी ब्रह्मज्ञानीनी ज्ञानिनी थी उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी उसी के ये उद्गार हैं: मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ मैं ही मित्र और वरुण दोनों को इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हैं एक अहम सोममाहसम बिभर्म्य त्वष्टामुत पूषण भगम अहम दधामी द्रुविना हविष्मते सुप्राव्य यजमानय सुनुते दो में ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ दो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना चिकेतुषी प्रथमा यज्ञ नाम तान माँ देवा व्यदूह पुरुत्रा भूरी स्थत्रा भूरी तीन में संपूर्ण जगत की अधीश्वरी अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली साक्षात्कार करने योग्य परब्रम को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते है तीन मयासो अन्नमतती यो विपश्यति यह प्राणिति य ई श्रृणत्युक्तम अमंत्व मात श्रुधि श्रुत श्रद्धेवादामी चार जो अन्न खाता है वो मेरी शक्ति से ही खाता है क्योंकि मैं ही भोक्त्री शक्ति हूँ इसी प्रकार जो देखता है जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं हे बहुश्रुत मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्मतत्व का उपदेश करती हूँ सुनो चार अहमेव स्वयं इदम वदामी जुष्टम देवभिरुत मानुष भे यम काम्ये तम तमुग्र कृणोमी तम ब्रमाना तम ऋषिन तम सुमेधाम पांच में स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उस उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ उसी को सृष्टि करता ब्रह्मा परोष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्ति से युक्त बनाती हूँ पांच अहम रुद्राय धनुरा तनोमी हंतवा उ अहम जनाए समदम क्रिनोम्यह दिवा पृथ्वी अविवेश विवेश छ में ही ब्रमद्वेशी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चराती हूँ मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ छह अहम सुवे पितर्मस्य मूर्धनम योनिर्पस्वंत समुद्रे ततो वी तिष्ठे भुवना हूँ विश्व तामो दया वर्ष मनोप स्पृश्यामी साथ मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों मेरे कारण, कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्मा की स्थिति है अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ सात अहमेव वात इव प्रवाया भमाना भुवनानी विश्वा परो दिवा पर एना पृथ्वी इतावती महिना संभुव आठ तारांकन में कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ आठ तारांकन इसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त दिया गया है उसका भी पाठ करना चाहिए ેદોો દેવી સૂક્તમ સમાપ